What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingflap.in. आज 13th August 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:37 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी इंडेक्स काफी वोलेटाइल मूव कर रहा है पूरे ट्रेडिंग सेशन में। अगर सुबह का फर्स्ट आवर छोड़ दे तो उसके बाद एक चॉपी मार्केट हमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ वॉल्यूम इसे कहा जा सकता है। अगर हम FII और DII का चार्ट कंपेरिजन करें तो हमें ये पता लगेगा कि जो FII का एक्टिविटी है वो कुछ दिनों से काफ़ी यहाँ पर कम हो चुका है। ये FII एंड DII का चार्ट है वर्सेस निफ्टी। ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी का प्राइस एक्शन है, ये कैसे मूव हो रहा है। ये जीरो लाइन पे प्लॉट किया गया है और यहाँ पर ब्लू लाइंस को देखे, ब्लू लाइन को, तो ये निफ्टी का चार्ट है और रेड कैंडल जो है ये FII का एक्टिविटी है और येलो कैंडल जो है ये DII का एक्टिविटी है। तो ये जो अभी के कुछ लास्ट डेज के एक्टिविटी अगर देखें ये FII की, तो काफ़ी यहाँ पर कम वॉल्यूम है FII की तरफ से। जो यहाँ पर कुछ दिनों पहले दिखाई दे रहा था ये लंबे लंबे स्टिक्स FII की, जहाँ पर FII जबरदस्त सेलिंग कर रहा था और काफ़ी बड़ी बड़ी स्टिक्स यहाँ पर बन रही थी। तो अभी लास्ट कुछ दिनों से देखें तो FII की एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसके कारण निफ्टी इंडेक्स में एक चौपीनेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज वीकली एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो काफ़ी कॉशियस रहना होगा ट्रेड करते वक्त। सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं और फिर आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होंगी इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 12th August आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। निफ्टी इंडेक्स भी एक दोजी पैटर्न, एक बोरिंग कैंडल लास्ट दो तीन दिनों से बना रहा है, तो एक चौपीनेस निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकडाउन लेवल हमारा था बन रहा था 11,288 के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ओपन हुआ और यहाँ पर सेकेंड टारगेट के आसपास अपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक हुआ, तो काफी स्लगिश वे में टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा था। एक बार इसने कोशिश की ये ब्रेकडाउन लेवल को फिर से ब्रेक करने की, हालांकि पेनेट्रेट करने के बाद फिर से ये ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर आके क्लोज हुआ। तो यहाँ पर पेनेट्रेट जरूर हुआ ब्रेकडाउन लेवल, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ ब्रेकडाउन लेवल के नीचे। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 229 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी हरे निशान में कल बंद हुए। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके, तो SGX निफ्टी 30 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और जापानीज इंडेक्स 428 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो हल्की सी बढ़त इस समय ये डाउ फ्यूचर में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी थोड़े पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है। ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का 61.8% का लेवल था, इसी के पास ये रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस कर रहा है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले इसने एक ऊपर जाने की कोशिश की थी, हालांकि फेल होने के बाद ये 20 MA तक यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला था। लास्ट टू डेज देखे तो दूजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना बुल जीत पा रहे ना बेयर जीत पा रहे। हालांकि ये जो प्राइस एक्शन बनाया था ये हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू था। कल भी अगर देखे तो 11,270 के पास इसने पेनेट्रेट किया इस लेवल को और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ओपन जहाँ पर हुआ था उसके जस्ट ऊपर आके ये क्लोज हुआ है, जहाँ पर इसने ये लंबा नीचे टेल छोड़ दिया। तो बुलिश मोमेंटम अभी भी मार्केट में है, हालांकि इसे 11,400-11,350 को कंफर्टेबली क्रॉस करना होगा तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। अगर हम टू अर्ली चार्ट में एक बार लाइन चार्ट को अगर कन्वर्ट कर दे कैंडलस्टिक को, तो एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है
कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा ये नहीं कह रहे, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है, ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और अभी राइट शोल्डर पूरा बना नहीं है। अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, ऐसा ये होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, ये प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसके नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा, बुलिश टू बेयरिश पैटर्न है ये, और नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ से और हमें करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है ये फिर ये जो स्विंग हाई बना है इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, तो यहाँ से हमें तेजी लौटते वक्त दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर ऐसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसे कहा जाता है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। टू आवरली चार्ट में क्लियरली ये लाइन चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं आवरली चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये आप देख रहे हैं कल यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस पास्ट में इस लेवल के पास इसने फेस किया था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जो कल का क्लोज बन रहा था आर्ली चार्ट में, जिस लेवल पे आके ये क्लोज बन रहा था, अगर उस लेवल को अगर ये आज ब्रेक करता है यानी 11,274 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,260, एक छोटा वीकली फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 11,241, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो जो हमने टू आर्ली चार्ट में देखा, ये जो लेफ्ट शोल्डर बन रहा है इसका ये जो स्विंग आया है यानी अराउंड 11,336 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,352, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,373, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो सेकंड टारगेट के ऊपर सस्टेन होने दीजिए निफ्टी इंडेक्स को, तो ही तभी हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर। So thank you very much and happy trading. Trading Fab एक authorized partner है discount brokerage firms का, जैसे कि Zerodha है, Upstocks है, Five Paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक trading account हमारे partner referral ID के under अगर आप open करते हैं तो आपको हमारी जो intraday premium membership है वो आपको absolutely free में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, just यहाँ apply here के ऊपर click करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।